हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं थोड़ा आपका स्वागत करता हूँ। हालांकि आज मैंने बोला था कि लाइव स्ट्रीमिंग आज से शुरू करूंगा, लेकिन नहीं शुरू हो पाई, लेकिन आने वाले समय में जरूर शुरू होगा लाइव स्ट्रीमिंग। तो चलिए फिलहाल समझते हैं कि किस तरीके से हम सेटिंग कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। अगर हम एसक्यूएल पर काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल व्यू में काम कर रहे हैं, उस समय में सेटिंग करनी है फील्ड साइज डिसाइड करना। फील्ड साइज कैसे डिसाइड होगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। पहले जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर है हमारा, उसमें एक एसक्यूएल व्यू होता है। तो उस एसक्यूएल व्यू में जब आप जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, देखिए जैसे कि फील्ड साइज की बात आती है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि नेम एक फील्ड साइज है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ एन एम ई स्कोर, और यहाँ पर कुछ और देना हो तो वो दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें नेम के बाद डेटा टाइप मेंशन करना है, तो यहाँ पे हम डेटा टाइप मेंशन कर लेते हैं। लाइक नेम का जो डेटा टाइप है वो मैं मेंशन कर देता हूँ टेक्स्ट। तो जैसे ही हम यहाँ टेक्स्ट मेंशन करते हैं, टेक्स्ट टी ई एस टी, ठीक है। तो अब इसमें तो फील्ड साइज डिसाइड नहीं हुआ, तो नेम तो कितना भी बड़ा आप लिख सकते हैं ना। यहाँ पे फील्ड साइज तो डिसाइड नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया टेक्स्ट, तो टेक्स्ट की फील्ड साइज डिसाइड नहीं हुई, ठीक है। जिसके वजह से हम जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो हम ये नहीं चाहते, हम यहाँ पे फील्ड साइज को डिसाइड करना चाहते हैं। तो फील्ड साइज को डिसाइड करने का तरीका आपको वे क्या होगा, आइए एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, आपको जो लिखना है नेम ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप नेम ही लिखिएगा, जब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लिखिए नेम एम ई। जब भी आइएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तो आपको यहाँ टाइप करना है नेम, एसक्यूएल व्यू में आइएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के, तो यहाँ नेम टाइप कीजिए। टेक्स्ट टाइप करने के बजाय यहाँ टाइप कर दीजिएगा वेयर कैर, डेटा टाइप क्या रहेगा, वेयर कैर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए वेयर और फिर लिखिए कैर, ठीक है। तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि कितना जो है फील्ड का साइज होगा। तो यहाँ पर वेयर कैर मैंने लिख दिया है, और वेयर कैर में फील्ड का साइज कितना होगा, 2 देना 3 देना 4 देना, जो भी देना है यहाँ पर दे दीजिए। जैसे मान लीजिए 3 दे दिया, ठीक है। ब्लैंक का इस कर लेता हूँ और यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। तो अभी हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल व्यू में यूज करना है। एसक्यूएल व्यू में यूज करने के लिए यहाँ क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट पे जाने के बाद क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे। जब भी क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे तो यहाँ से इसको ऑफ कर देना है, क्लोज कर देना है। तो यहाँ आपको दिखेगा एसक्यूएल, बस क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे टेबल क्रिएट करा लेते हैं। तो ये किया मैंने क्रिएट टेबल, ये क्रिएट टेबल एक कोड है जिस वजह से आप टेबल क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट टी, यानी प्रोडक्ट की टेबल, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट टी दे दिया, ब्रैकेट को ओपन किया, इसमें क्या क्या फील्ड आएंगे। सबसे पहले तो आएगा इसमें सीरियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, सीरियल और नंबर के बीच में आपको अंडरस्कोर लिखना है। जब आप एसक्यूएल सर्वर यूज करेंगे तब आप ऐसा नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको अंडरस्कोर लगाना जरूरी है, ठीक है। तो सीरियल नंबर को आप रख देते हैं नंबर डेटा टाइप सिंपल वे में, ठीक है। नंबर डेट टाइप करने के बाद कॉमा दीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे नेम ऑफ प्रोडक्ट करना है, तो ये किया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, और जैसे ही नेम ऑफ प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पर हम देंगे वेयर कैर, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने वेयर और फिर लिख दिया कैर। अब इसकी साइज हमें डिसाइड करनी है कि नेम ऑफ प्रोडक्ट जो है 3 कैरेक्टर से ज्यादा हम नहीं लिख, मतलब उसमें 3 ही कैरेक्टर आएंगे नाम में, ठीक है। तो या 4 कैरेक्टर कर देते हैं, 4 कैरेक्टर कर देते हैं, नीचे एंटर करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, बस इतना ही करना है आपको। और ये टेबल में तो फालतू में बन गया, इस पर कोई मतलब नहीं, ये डिजाइन पे आपको जाना है, यहाँ पर रन करवा देना है। तो जैसे रन कर लेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सीरियल नंबर आ रहा है और यहाँ आ रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें डिसाइड करना है कि कैसे आप फील्ड साइज डिसाइड करेंगे। तो यहाँ मान लिख दिया फील्ड साइज क्या दिया था, हमने 4 दिया था ना, चलिए यहाँ पे लिखते हैं एस यू जी ए आर, कुल मिला के कितने हुए, 4 ही हुए ना। आर मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन टाइप नहीं कर पा, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ सेकंड फील्ड, अब यहाँ सुगा हो गया, सुगर नहीं हुआ, सुगा हो गया। तो अब ये हो गया सेकंड, ठीक है। यहाँ पे टाइप करता हूँ एस ओ ए पी, सो टाइप हो गया, ठीक है। एंटर करके नीचे आएंगे, 3 करते हैं। अब यहाँ पे करता हूँ आर आई सी ई, कितना करेक्टर है आर आई सी में, R I C E 4 कैरेक्टर है, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 4 से ज्यादा कैरेक्टर जाएंगे ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर आए,
अब इस बार क्या लिखता हूं मैं सोयाबीन, तो सोया, अब सोया यहीं पर पूरा हो जाता है फोर कैरेक्टर, अब बी लिखेंगे तो लिखेगा नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप ये डिसाइड कर सकते हैं फील्ड की साइज क्या रहेगी।